कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश खुशोखुरम होंगे। आज मैंने ना बड़ी एफर्ट की है, मैंने कहा मैं ना आपको अपनी बेडशीटों की कलेक्शन दिखाती हूँ। ये मैंने बड़ी मेहनत से और बड़े सालों की ये मेरी मेहनत है, मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाई हुई हैं। मैंने मेरी चार बेटियाँ हैं तो मुझे बड़ा शौक था इनको बेडशीटें अच्छी से अच्छी लेने का, ख़रीदने का और बनवाने का। ये मैंने आहिस्ता 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 करके बनाई हैं। पहले मैं बड़ी बरीजा से ख़रीद, सफ़ायर से ले, बुनंजा से ख़रीद। बेडशीटें बरीजा की तो इतनी महंगी है कि आपको मैं क्या बताऊं। पहले तो 10-10, 12-12 हज़ार में कुछ मिल जाता था, अब तो 30-35-40 हज़ार, बल्कि इससे भी ज़्यादा महंगी है उनकी बेडशीट। और वो उनका वो दिल करता है कि उनको बस सजा के बंदा रखी रखे, उनको उनको इस्तेमाल ना करे, उनको दिल उनको उनसे वो रुमालियों की जीनत बन जाती हैं, वो निकलती ही नहीं रुमालियों से। तो मैंने ये अपने अपनी खुद बेडशीटें बनवाई हैं, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ ये कैसी हैं। ये देखें ये इसकी गद्दियाँ हैं, ये इसके तकिए हैं, ये इसका कपड़ा, ये मैंने खुद से ही ख़रीदा हुआ है, ये ऐसे ही सेल्फ प्रिंट सा है और इसके अंदर कोई फोमिंग शीट जैसा बना हुआ है ये कपड़ा। तो ये इसके ऊपर खुद से मैंने ये करवाया है, अपनी मेरे साथ मेरी हमारी हमसाई थी तो वो कपड़े सिलाई करती थी, तो उनसे बेडशीटें मैंने ये बनवाई हैं, इसे सिलवाई सिलाई करवाई। ये देखिए इसके ऊपर सारा ये काम, मैं आपको ऐसे खोल के दिखा रही हूँ। ये दरमियान में ये सारा डिज़ाइन बना हुआ है, ये बरीजा का डिज़ाइन है जो मैंने कि बरीजा की कॉपी से कॉपी करवाया है। ये देखिए ये भी मैंने एक ये मैंने बेडशीट बनवाई है, ये इसके तकिए हैं, ये इसकी बेडशीट सादी है बिल्कुल, और इसके कुल्ट पे भी ऐसे ही काम हुआ होगा। ये खोल के दिखाती हूँ, ये ऐसे ये इसके कुल्ट पे भी ऐसे ही काम है। ये मैं उठ के आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे आपको समझ नहीं लगेगी। ये देखिए ये सारा इसके ऊपर ऐसे ही बनवाया हुआ है। तो ये ऐसे मैंने ये सारी मेरी मेहनत है, ये मैंने ये सारी इस तरह इनके सारा ये कोट के ऊपर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये सारा ये बनाऊंगा। ये देखिए ये इसके भी ये तकिए हैं, ये ऐसे ये इसके तकिए बने हुए हैं, और ये इसकी गद्दियाँ हैं, गद्दियाँ उसने सादी बिल्कुल रखी हैं, और ये इसकी बेडशीट पे उसने सारा ये कटवर कटाव बना दिए, सारे कटाव बना दिए बेडशीट के ऊपर सारे। ये ऐसे के कटाव बने हुए बेडशीट के सारे, और ये इसका कुल्ट है, ये कुल्ट के ऊपर भी सारा ऐसे ही काम किया हुआ ऐसे। ये ऐसे डब्बे बना के, ये भी मैंने सफ़ायर पे देखा था डिज़ाइन, ये भी सफ़ायर का डिज़ाइन है, और सफ़ायर का कह दिया, ये ब्रीज़ा का डिज़ाइन है, ब्रीज़ा की कॉपी से कॉपी करवाया है। ये ऐसे डिब्बे बना दिए, और ये इसकी ये कूल्ट है इसका, पूरा कूल्ट है, और ऐसे इसके सारे ये देखिए, एक ये बेडशीट है, ये प्रिंटेड बेडशीट है, ये कढ़ाई वाला, और ये बेडशीट इसका बड़ा कढ़ाई वाला कपड़ा देखिए इसका, ऐसे बेडशीट ये फिर मैंने इसकी ये इसके साथ मैंने लाइनिंग वाला कोट लिया है। ये इसकी तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा ये कैसे बनता है, ये मैंने खुद से बनवाया है। ये इसकी ये भी ये देखें इसके का सारा कपड़ा, ये बड़ा खूबसूरत बनवाई
ये एक ये बेडशीट है ऐसे उसमें प्रिंट लगा दी, ये प्रिंटेड बेडशीट है आपको खुद बना दी और बैक साइड पे बड़ा खूबसूरत प्रिंट है, ये देखिए आधा कपड़ा लगा के बेडशीट का और ये प्रिंट है। इसके साथ मैंने लाइनिंग वाला पूछ लिया है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बड़ा प्यारा मुझे कपड़ा मिल गया था, ये मैंने खुद से बनवाया है कढ़ाई हुई, ये भी ये देखिए इसके इसका सारा कपड़ा, ये ऊपर से जो बड़ा कपड़ा लगवाया है और ये इसके साथ ये लेस लगवाई है साथ, ये भी बड़ा प्यारा कंट्रास्ट हो गया। ये प्रिंटेड मुझे कॉटन साटन का ये कपड़ा है और इसके ऊपर ये भी कॉटन साटन का ही था, ये कढ़ाई वाले पीस मुझे मिल गए और मैंने साथ लेस ऐड करवा के ये बनवा ली। ये कर बनवा रही थी तो वो लड़कियों की शादियां हो गई, तो फिर अब ये अनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करवाऊंगी अब। ये देखिए एक ये बेडशीट है, इसके ऊपर भी ये मैंने खुद से ही लेके कपड़ा लेके जो बनवाई है, ये इसकी गलियाँ हैं, ये इसकी बेडशीट है, इसके ऊपर भी उसने पट्टी लगा के सारी सिलाई करके दी है और इसके उल्ट के ऊपर भी उल्ट पे इसके उल्ट इसका सादा ही है, मैंने इसने उल्ट के ऊपर ये बस इसकी कोरिंग करके ये प्रिंट बेडशीट लेके ना, तो ये उल्ट के साथ मैंने बनाई। एक ये बेडशीट है, इसके ऊपर भी ये बनवाया है, ये डिज़ाइन साथ इसके साथ 2010 तक ये बनवाए। कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने कहा और तक ये बनाया। सारा डिजाइन इसके ऊपर बनाया हुआ है, ये सारी ये बड़ी प्यारी माशाल्लाह से बन गई है। ये बेडशीट है, इसकी गद्दियां हैं ये और ये इसके तकिए हैं और इस ये भी मैंने खुद से कपड़ा लेके बनवाई है, ये इसके ये ककोन वाले इसके डिज़ाइन बना दिया है, इसकी बेडशीट पे भी ये ऐसे पट्टी लगा के बना दी है डिज़ाइन इसका पट्टी और इसके कुल्ट पे भी ऐसे ही ये पट्टी और साथ ये पॉकेट बना दिए हैं। एक ये बेडशीट है, ये भी मैं खुद से बनवाई है, ये इसके ऊपर भी बेडशीट के ऊपर भी पारा लगा हुआ था और ये बड़ी खूबसूरत बेडशीट है, ये इसका डिज़ाइन बड़ा ही खूबसूरत है, जैसे इसके ऊपर भी ऐसे ही बनाऊंगा पारा पारा सा। इसके साथ गलियाँ भी बनी हुई हैं, ये भी कपड़ा इसका बहुत ही खूबसूरत है, ये भी मैंने खुद से लेके बनाया है बनवाई है और ये इसका डिज़ाइन खुद उन्होंने खुद से किया लड़कियों ने और ये बड़ा खूबसूरत इसका कपड़ा है, ये भी मैंने खुद से लेके सिलवाई है ये बेडशीट। और एक ये बेडशीट है, इसका कपड़ा भी बहुत ही खूबसूरत है कपड़ा इसका, इसके तकिए हैं तो ये भी मैंने कुछ बनवा लिया।
एक ये बेडशीट है, ये इसकी भी कहानी है। ये मेरे वालिद ये मेरी शादी की बेडशीट है और ये मेरे वालिद इंडिया से लेके आए थे हमारे लिए। मेरे पास 3-4 थी तो मैंने अपनी बेटियों को, ये बेटियों को भी दी हैं कि ये उनके नाना बू की यादगार के तौर पर। ये ऐसे एक ये है, ये वेलवेट में है, ये मैंने मार्केट से खरीदी है, ये इसकी गली है, और ये इसकी बेडशीट है वेलवेट की गली। और ये बेडशीट मैंने के निगम से मंगवाई है, ये सेल्फ प्रिंट है, देखिए ये सेल्फ प्रिंट है, और ये इसकी ये गद्दियाँ, ये साथ गद्दियाँ मंगवाई हैं। यस, कुल्ट वाली ये गद्दियाँ हैं, ये ऐसे गद्दियाँ मंगवाई हैं साथ, और ये साथ इसके ये फ्लीस का कंबल मंगवाया, ये मैंने बेटी के लिए मंगवा के थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये रखी हैं। अब ये सफ़ाई से मंगवाई हुई है, ये कुर्ट है और ये बेडशीट है, ये भी एक बेडशीट है, ये भी एक बेडशीट है, ये सफ़ाई से लेके रखी हुई है, ये भी एक बेडशीट है, ये भी एक कुर्ट है और इसके साथ बेडशीट थी, और ये भी ये कुर्ट है, इसके साथ ये बेडशीट है, के साथ कुल के साथ ये बेडशीट है, और एक ये कुल है, इसके साथ भी ये इसमें से कई बेडशीट थी इसके साथ, और एक ये कुल है, और एक ये कंबल है। मार्केट से लिया ये कंबल, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा है और इतना नरम और मुलायम है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये भी लिया है उसे गुल अहमद से लिया है ये। ये गुड़िया के लिए छोटी अपनी धोती के लिए ये मंगवाई है दोनों, तो ये भी एक सफाई से लिया है और एक और कहीं से मंगवाया है, से है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप चले हैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करते हैं, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और नए नए आइडियाज लेके आऊँ। तो अपने प्यारों के साथ मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।